गुरु ना आवे इसके अंदर गुरु ना आवे, ये जरूरी है गुरु ने आना चाहिए। हाँ कि गुरु आया तो गुण लग जाएगा, जैसे अनाज को गुण लगे, फल में कीड़े आ गए, कभी खाने काबिल नहीं है। ऐसे ये दीन के कामों में गुरूर आ गया कि पीछे डालेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ ये भी बड़ा मामला है डरने का, ये पीछे डाल देंगे। इसलिए जो दाई होगा वो तो हमेशा डरता रहेगा, दबता रहेगा, अल्लाह से भी डरे और अल्लाह के बंदों से भी डरे, दबे, क्योंकि काम बढ़ाना है तो डर कर दब कर अपना काम पेश करता है, लोगों से भी डरे। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से डरते थे, हारून अलैहिस्सलाम फिरौन से डरे, और ये डर अल्लाह से कह रहे थे कि अल्लाह हमें डर लगता है, इंसान है डरेगा, तो दावत देने वाला क्या, दावत देने वाला वो निडर नहीं होता। हाँ वो निडर हालात से होता है, हालात से नहीं घबराता कि जो हाल आवेगा काम करेंगे, लेकिन डर डर जरूर लगेगा उसको, और अपना काम पेश करने में डरेगा। इसमें गुरूर नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, जिद नहीं होगी। हाँ क्योंकि जो अल्लाह ने दिया है वो तो अल्लाह ने दिया है, इसके पास क्या है। अगर इसके अंदर गुरूर आ गया, घमंड आ गया, तो ये दाई नहीं है, ये मुद्दई है। हाँ ये दावेदार है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, इसलिए कभी इस तरह से बात नहीं की जाएगी, ना इस तरह से काम पेश किया जाएगा। अगर मुद्दई बना तो अल्लाह रद्द करेंगे, जैसे शैतान को रद्द कर दिया। हाँ वरना ये बड़ा इबादत गुजार, शैतान ने बहुत इबादत की है, वो बहुत इल्म है उसके पास, आबिद भी है आलिम भी है, लेकिन रद्द हुआ है, अल्लाह ने उसको रद्द किया है और दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया और लानत कर दी हमेशा के लिए। ये मुद्दई है कि मैं हूं, यूं का मैं हूं, ये गुरूर की बात है, ये नहीं आएगी। हम तो हर वक्त अल्लाह के फजल के मोहताज हैं, हर वक्त अल्लाह की मदद की जरूरत है, और हम तो अल्लाह ताला के बंदों की सलाहियतों के भी मोहताज हैं कि मुझे अल्लाह ताला के बंदों की सलाहियत चाहिए कि अल्लाह सलाहियत वाले बंदे आवें और सलाहियत वाले बंदे काम पर आ जावें, इनकी सलाहियतों की मुझे जरूरत है। जी हाँ इन नबियों का तकाजा होता है कि वो सलाहियतों की कदर करते हैं कि फलाने में ये सलाहियत है, फलाने में ये सलाहियत है, फलाने में ये सलाहियत है। कि दावत में खूबी उस वक्त आएगी जबकि खूबियों के देखने वाले बनेंगे लोग, कि दावत देने वाले वो खूबियों को देखें। अगर इसमें गुरूर आ गया तो इसको लोगों की खराबियां नजर आएगी, लोगों के अयूब नजर आएंगे, उनके नकाइश सामने खुलेंगे कि ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा है। जैसे इबलीस, इबलीस को आदम अलैहिस्सलाम की खूबी नजर नहीं आई बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की कमी नजर आई। हाँ वरना आदम अलैहिस्सलाम के, आदम अलैहिस्सलाम तो खूबियों वाले हैं कि किस दलील से, इस दलील से कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने काम के लिए छांटा है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम, कि अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को छांटा है अपनी इबादत के लिए, अपनी खिलाफत के लिए, तो अल्लाह ने तो उसको पसंद किया है, इस्तफा के माने पसंद करके लिया, पसंद करके लिया अपनी मखलूक में से, ये मेरे काम को देखेगा। तो अल्लाह की पसंदगी की नजर आदम अलैहिस्सलाम पर पड़ी, उन्होंने पैदा किया। ये कहता है कि नहीं, ये आदम इस काबिल नहीं है कि पसंद किया जावे, मैं हूं इस काबिल। तो ये गोया अल्लाह की पसंदगी पर इसका एतराज है, इसलिए ये मारा गया। जी हां ये किसे इसलिए सुनाए हैं